नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सेफ न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। दोस्तों, खबर जुड़ी हुई दो अलग अलग घटनाओं से। एक घटना नालासोपारा में आज सुबह मिली एक वृहद व्यक्ति की लाश की, तो वहीं दूसरी घटना मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर लगातार हो रहे एक्सीडेंट की। तो बात करें पहली घटना की, नालासोपारा आचौर्य पुलिस स्टेशन के अंतर्गत नालासोपारा रेलवे स्टेशन से करीब में आज सुबह एक लाश कचरे के ढेर में पुलिस को बरामद हुई। दरअसल आज सुबह जब वहां पे आसपास के दुकानदार अपनी दुकान खोलने आए, तो उनको कचरे के ढेर के पास एक बूढ़े व्यक्ति की लाश पड़ी हुई दिखाई दी। उन्होंने पुलिस को इत्तला किया, पुलिस ने तुरंत मौके वारदात पर पहुंचकर तलाशी ली, और उस तलाशी के दौरान पुलिस को लाश के पास से एक बैग बरामद हुआ। उस बैग में एक पर्ची थी जिसमें उन वृद्ध के घर परिजनों के मोबाइल नंबर थे, तो उस नंबर पर पुलिस ने कॉल किया और उनको बुलाया गया, तब वो लोग तुरंत ही वहाँ घटनास्थल पर पहुँचे, जिसके बाद उन्होंने ये बताया कि ये वृद्ध जो है सुबह 5 बजे घर से निकले थे काम पे जाने के लिए। अब सुबह 5 बजे जब घर से काम पे जाने के लिए निकले थे, तो इस तरह इनकी लाश कैसे मिली, इनके साथ क्या कुछ हुआ, उस सब चीज़ों के ऊपर, वो संदिग्ध परिस्थितियों के ऊपर पुलिस फिलहाल जांच कर रही है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेके पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया है। अब क्या हुआ, ये नेचुरल डेथ थी या उनके साथ कोई हादसा हुआ या कोई अप्रिय घटना हुई, इसकी पूरी जानकारी तो तहकीकात के बाद ही सामने आ पाएगी। वहीं बात करें दूसरी घटना की, तो दूसरी घटना अभी मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर हो रहे लगातार एक्सीडेंट को लेकर। अभी हाल ही में मशहूर उद्योगपति साइरस मिस्त्री की मुंबई अहमदाबाद मार्ग पर ही एक्सीडेंट होने से मौत हुई है। उसके बाद भी एक्सीडेंट का सिलसिला रुक नहीं रहा है। ये जो घटना है, विजुअल जो आप देख रहे हैं, विजुअल है बुधवार रात 11 बजे का, जब एक डंपर पहला फाटा के करीब डिवाइडर से टकरा गया और दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हालांकि इस दुर्घटना में डंपर चालक को गंभीर चोट आई और नालासोपारा अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, लेकिन यह गनीमत रही कि डंपर पलटी नहीं हुआ और किसी तरह का बड़ा हादसा होने से टल गया। तो आप ये फुटेज देख रहे हैं, ये फुटेज है पहला फाटा के आसपास की। तो आप ये देख रहे थे दो अलग अलग खबर। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।